आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। 26 या 27 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस साल किस दिन रहेगा? जानिए उत्पन्ना एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि आदि विस्तार से। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना के लिए एकादशी व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि विष्णु जी की पूजा करने से साधक को सभी दुख कष्ट और पापों से छुटकारा मिलता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को आरोग्यता, संतान सुख की प्राप्ति, मोक्ष और पापों से मुक्ति मिलती है और साधक पर प्रभु श्री विष्णु जी की आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी की तिथि को लेकर लोगों में संशय दिख रहा है। कुछ लोग उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर की बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उत्पन्ना एकादशी व्रत 27 नवंबर को करने की बात कह रहे हैं। जानिए उत्पन्ना एकादशी कब है। दृक् पंचांग के अनुसार 26 नवंबर 2024 को सुबह 1:01 पर मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और अगले दिन 27 नवंबर 2024 को सुबह 3:47 पर समाप्त होगा। इसलिए उदयातिथि के अनुसार 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाना उचित बताया जा रहा है। अब जानिए उत्पन्ना एकादशी 2024 व्रत पारण समय। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से लेकर 3:18 के बीच कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करना चाहिए। मान्यता है कि दान करने से जातक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन का पंचांग जानिए। सूर्योदय सुबह 6:53 पर, सूर्यास्त शाम 5:24 पर, चंद्रोदय सुबह 3:13 से, चंद्रास्त दोपहर 2:26 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से 5:59 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:54 से 2:36 तक, गोजुली मुहूर्त शाम 5:21 से 5:49 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 11:42 से 12:36 तक रहेगा। इसके अलावा अब आपको अशुभ समय के बारे में बताते हैं। राहुकाल दोपहर 2:46 से 4:05 तक एवं गुलिक काल दोपहर 12:08 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी की कथा जानिए। जानकार विद्वानों के अनुसार पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु जी के शरीर से ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। विष्णु जी योग निद्रा में सो रहे थे, दैत्य मुर उन पर आक्रमण ही करने वाला था। उसी समय विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य स्वरूप वाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने युद्ध में राक्षस मुर का वध कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर देवी को एकादशी का नाम दिया था और वरदान दिया था कि एकादशी देवी की पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रभु श्री विष्णु जी के साथ देवी एकादशी की भी पूजा अर्चना का महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत पूजन से व्यक्ति को सभी सुखों और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानिए क्यों खास है उत्पन्ना एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हर माह 2 एकादशी आती है।
एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल कृष्ण पक्ष में। सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिनों कुछ चीजों को सेवन निषेध माना गया है। आइए जानते हैं कि क्या निषेध माना गया है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुद्दू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है। आथ स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और अंगुली से कंठ साफ कर ले। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर ले। एकादशी ग्यारस के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सेमफली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। पूजा अनुष्ठान हेतु उत्पन्ना एकादशी पर क्या करें। उत्पन्ना एकादशी के अनुष्ठानों का विवरण प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है और कहा जाता है कि इन्हें भगवान शिव ने निर्दिष्ट किया था। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के पांडव भाइयों में से एक युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते समय अनुष्ठान के बारे में बताया कि उत्पन्ना एकादशी से एक दिन पहले, जो कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि है, व्यक्ति को दोपहर में अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और सूर्यास्त के समय भोजन करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रातःकाल व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। व्रती को नदी, जो सबसे पवित्र मानी जाती है, या सरोवर में स्नान करना चाहिए और यदि दोनों उपलब्ध न हो तो तालाब के जल में स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय व्यक्ति को अपने शरीर पर मिट्टी मलते हुए धरती माता से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना है अश्वक्रांते, हे रथक्रांते, हे विष्णुक्रांते, हे वसुंधरे, हे मृत्तिके, अर्थात हे धरती माता, कृपया मेरे पिछले जन्मों के सभी संचित पापों को दूर करे ताकि मैं परम भगवान भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश कर सकूं। पूर्ण समर्पण के साथ भगवान गोविंदा की पूजा करे और फूलों और अन्य चीजों के साथ एक उत्कृष्ट भोग, ईश्वर को भोजन अर्पित करे। भगवान के सम्मान में घर पर एक दीपक जलाए, भगवान विष्णु का भजन गाए या स्तुति करे। पूरे दिन भगवान विष्णु की स्तुति का जप या गायन करे और व्रत के दौरान परम आनंदित रहे। पूरी रात पूरी चेतना के साथ जागते रहे। हो सके तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए रात भर वाद्य यंत्र बजाते रहे। अगली सुबह व्यक्ति को ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और उनसे आदर पूर्वक किसी भी अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। जो लोग अगले दिन तक पूर्ण उपवास रखते हैं, उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमलनेत्र भगवान, अब मैं भोजन करूंगा, कृपया मुझे आश्रय दे। पूजा के बाद भगवान विष्णु के चरण कमलों पर पुष्प और जल अर्पित करें तथा भगवान से भोजन करने का निवेदन करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भगवान को अर्पित किया गया जल ग्रहण करना चाहिए। यदि भक्त चाहे तो अग्नि यज्ञ किया जा सकता है।
हरि ओम। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा ना माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।